सियासी नगरी बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बिहार के बेगूसराय में भाजपा कार्यकर्ताओं का अपने ही सांसद को लेकर विरोध बढ़ता जा रहा है। रविवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह के काफिले को काला झंडा दिखाया गया। भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता विनोद बाबा ने न सिर्फ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर हमला बोला, बल्कि सांसद प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर पर भी गंभीर आरोप लगाए। विनोद बाबा ने कहा कि सांसद गिरिराज सिंह के प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर की काली कमाई के मेरे पास सबूत हैं। सांसद गिरिराज सिंह के जिला के प्रतिनिधि अमरेंद्र कुमार अमर पेशे से वकील हैं। जब उन्होंने जिला अध्यक्ष का चुनाव लड़ा तो उनके प्रस्तावक ने भी उन्हें वोट नहीं दिया था। इसके बावजूद सांसद गिरिराज सिंह ने अमरेंद्र कुमार अमर को अपना प्रतिनिधि बनाया था। अमरेंद्र कुमार अमर कमीशन वसूलने में एक्सपर्ट हैं, इसलिए ही गिरिराज सिंह ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया। रिफाइनरी काफी बहाली हुई, लेकिन बेगूसराय के एक युवक को भी नौकरी नहीं मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि फोर्थ ग्रेड की बहाली में 10 लाख रुपए का कमीशन सेट किया गया था। केंद्र सरकार को चाहिए कि अमरेंद्र कुमार अमर के संपत्ति की जांच करे। 2 पेट्रोल पंप उसके पास है, 3रे पेट्रोल पंप का लाइसेंस मिलने वाला है। दलाली से उसने बड़ी संपत्ति जमा की है। सांसद गिरिराज सिंह के लिए भ्रष्ट शब्द की कोई सीमा नहीं जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। सांसद गिरिराज सिंह द्वारा दिए गए रोड 6 महीने में ही जर्जर हो गए, क्योंकि इसमें 20% का कमीशन सेट है। 10% कमीशन सांसद का प्रतिनिधि कमीशन लेता है और 10% सांसद गिरिराज को कमीशन जाता है। डिपार्टमेंट की कमीशन खोरी अलग ही है। इतना ज्यादा कमीशन देने के बाद कोई कॉन्ट्रैक्टर कहां से सड़क या फिर अन्य निर्माण गुणवत्ता के साथ करवा पाएगा। विनोद बाबा ने कहा कि मैं यहां ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, इसके सबूत मेरे पास हैं। जिसने काम किया और जिसने अमरेंद्र कुमार अमर को रुपया दिया, कई सारे वीडियो मेरे पास हैं। बिना सबूत के मैं कोई बात नहीं करता। जब जरूरत पड़ेगी तो ये सभी सबूत कोर्ट में पेश करूंगा। तो कुल मिलाकर गिरिराज सिंह को घेरा जा रहा है, उनकी काली कमाई को लेकर बात कही जा रही है। लगातार विनोद बाबा अपनी बात पर अड़े हैं, लगातार वो अपनी बात रख रहे हैं कि मेरे पास काली कमाई के सबूत हैं, भ्रष्टाचारी के सबूत हैं, कहां कहां कमीशन जाता है, कब कब गया है, तमाम वो वीडियोस, तमाम वो दस्तावेज मेरे पास मौजूद हैं जिससे इनकी भ्रष्टाचारी साबित हो सकती है।